यशोदा के दिल से पूछा और प्रेम की गति क्या होती है जो राधा के दिल से पूछा। राधा जब पे रोने लगी है, श्याम ए श्याम मैंने तुमसे प्रेम किया है लेकिन तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। भगवान कन्हैया ने कहा हम आज जा रहे हैं, कल धनुष यज्ञ होगा, हम परसों लौट आएंगे। लेकिन राजा पागलों की तरह से जब रोने लगी है, लेकिन भागवत श्रोताओं एक बात और ध्यान रखना, एक कवि कहता है, एक कवि कहता है कि राधा का भगवान श्याम से प्रेम था, लेकिन प्रेम के बारे में कवि कल्पना कर रहा है कि प्रेम बुरी जंजीर है, अरे वीर तुम झूठ मत ही मानो। लेकिन भगवान श्याम सुंदर ने उनको धारण किया, समझ गए अगर मैं लड़कियों के प्रेम में अगर फंसा रहा तो मैं अपने माता पिता की कैद को नहीं छुड़ा पाऊंगा। भगवान श्याम सुंदर ने अपनी योग माया के द्वारा सभी को सुना दिया और भगवान कन्हैया अपने रथ को लेकर के आगे बढ़े हैं। जब आगे बढ़े मथुरा नगरी में जब पहुंचे हैं, चाचा कृष्ण जी से कहा, चाचा जी मथुरा नगरी घूमे आए। जवाब दिया, बेटा तुम जाना लेकिन किसी से बात मत करना। बेटा चले हैं, रास्ते में कंसराज का धोबी आ रहा है, शराब के नशा में झूमता हुआ आ रहा है। लेकिन भगवान कन्हैया पास में पहुंचे, जवाब दिया, धोबी भैया, धोबी भैया, अरे ये वस्त्र हमको दे दो। कहने लगा, इन वस्त्रों के लायक तुम्हारा चेहरा है, इन वस्त्रों के लायक तुम्हारा चेहरा है, क्यों चलो हटो पीछे। अरे ये तो धोबी बड़ो चिल्लाए। भगवान कन्हैया समझ गए अब ये नहीं मानेगा। भगवान कन्हैया ने गाल पे एक तमाचा दिया, धोबी पे होश होकर के जमीन पर गिर पड़ा, उसका प्राण हो गया। बोलिए गोविंद भगवान। भगवान कन्हैया ने वही वस्त्र लेकर के, भगवान का एक भक्त था दर्जी, उसने कपड़े फिट किए। भगवान कन्हैया और आगे बढ़े, कुबजा से भेंट भई और कुबजा से भेंट होने के बाद में कुबजा को जो तीन जगह से टेढ़ी थी, भगवान श्याम सुंदर ने उनका भी उद्धार किया। उसके बाद और आगे बढ़े हैं, कंसराज की दरवाजे पर पहरेदार खड़े हुए हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे, भैया एक तरफ हो जाओ, हमको जाना है। लेकिन कहने लगे, ऐसे अंदर नहीं जा पाओगे। क्यों? भगवान कन्हैया कहने लगे हैं, भैया कि हम चूके आरी
नजर झुके और जैसे मेरी झुक जाती को तोड़ दिया। कंसराज से जाकर के आवाज लगाई है, कंसराज की जय हो। बलराम और कन्हैया ने धनुष को तोड़ दिया, आगे आ रहे हैं। कंसराज ने कहा जाओ